जुल सिंह, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक अगेन। आज एक DIY अगेन मैं लेकर आई हूँ, लेकिन आज सारे फेस के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ आईज के लिए मैं एक DIY लेकर आई हूँ। इट्स अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी, खासकर डार्क सर्कल्स या जिनकी पफी आईज हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट इफेक्टिव है। तो आज की जो DIY है वो स्पेशली उनके लिए है जिनको डार्क सर्कल्स का बहुत लंबे ड्यूरेशन से प्रॉब्लम है, जो डार्क सर्कल्स चाह के भी बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं कर पा रहे हैं या उन्होंने बहुत सारी क्रीम्स वगैरह ट्राई की हैं बट उससे रिजल्ट्स नहीं मिले। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आज हम मिलाएंगे और आज हम बनाएंगे, अगेन घर की कुछ चीज़ों से बनाकर आज हम ये DIY बनाएंगे। और अगेन टेलिंग यू, सारा जो नेचुरल रेमेडीज़ का जो रिजल्ट है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप नेचुरल रेमेडीज़ को कितने टाइम तक यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10 दिन यूज़ किया उसके बाद उसको छोड़ दिया तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कंटिन्यूएशन में अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स डाउन टू नेचुरल होममेड रेमेडीज, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही अच्छे होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि वो सारे के सारे रिजल्ट्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, चीप होते हैं, तो डेफिनेटली ट्राई करना तो बनता है। सो या आज कौन सा ऐसा प्रोडक्ट हम बनाएंगे या कौन सा ऐसा DIY हम बनाएंगे जो हम अंडर आई के लिए यूज़ कर सकते हैं, आइए जान। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनमें कौन से 3 इंग्रेडिएंट हम मिला के ये DIY सीरम बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी आईज़ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि ये हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। तो अगर ड्यू टू लैक ऑफ वाटर अगर आप उसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है उस चीज़ के लिए। सेकेंड जो इन्ग्रीडियंट हम लेंगे वो लेंगे कॉफ़ी। आपको एलोवेरा जेल लेना है 1 टेबल स्पून और कॉफ़ी लेना है आपको 1 पाउच, यानी आधा टेबल स्पून आपको कॉफ़ी लेना है, दैट्स इट। कॉफ़ी की अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ भी आता है, प्लस आपकी स्किन को नरिश करता है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, ख़ासकर कॉफ़ी सिरम की बात हो, कॉफ़ी का जो एक नॉर्मल पाउडर है अगर आप उसको भी लगाना चाहें तो दोनों चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। थर्ड वन जो हम लेंगे वो लेंगे वाइटामिन ई। वाइटामिन ई इज़ अमेजिंग फॉर योर स्किन व्हेन इट कम्स डाउन टू डार्क सर्कल्स। ये वाइटामिन ई, चाहे वो आलमंड ऑयल की बात हो, चाहे वो डायरेक्ट वाइटामिन ई कैप्सूल की बात हो, दोनों की दोनों काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए, डार्क सर्कल्स को लाइटन करने के लिए। तो हमने यहाँ पर 1 कैप्सूल लिया है। ये 3 दिन का बैच हम बना रहे हैं, हम ज़्यादा एक साथ में क्वांटिटी में नहीं बना रहे हैं क्योंकि इसमें ये जो भी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं काइंड ऑफ ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है। और ये 3 दिन आप जब लगाएंगे तो 3 दिन के बाद आप दोबारा से एक फ्रेश बैच बना लीजिए। इसको बनाने में आधा मिनट लगता है, ज़्यादा मिनट नहीं लगता है। तो ये तीनों आप बना के लगाएंगे और तीनों के तीनों को आपको ये इस तरह का लिक्विड कंसिस्टेंसी में ये मिक्सचर बन जाएगा। अब इसके लगाने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप फिंगर टिप से आप इसको हल्के हल्के हाथों से आप अपने जो डार्क सर्कल एरिया है उसको आप अच्छे से इसको कवर कर लेंगे इस सिरम से, और उसके बाद जब तक ये ड्राई ऑफ होता है आप इसको छोड़ दीजिए। जो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताऊँगी, देखिए आपकी आईज़ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो कोशिश करके इसको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे ये ड्राई ऑफ हो गया है आप इसको इस तरह से साफ़ कर लीजिए, वाइप ऑफ कर लीजिए या फिर फेस आप अपना वॉश कर लीजिए। सेकंड मेथड जो है वो दूसरा ये है कि 2 कॉटन पैड लीजिए आप और इसको सिरम को इसमें डिप करके आप अपनी आँखों पर लगा लीजिए, खासकर जिनकी आईज़ पे बहुत ज़्यादा डलनेस रहती है, यानी बहुत ज़्यादा टायर्ड आइज़ रहती हैं। उनको क्या करना है कि इसको लगा के और ऐसे 20 मिनट्स तक आपको छोड़ देना है और उसके बाद इसको रिमूव करके आप नॉर्मल वाटर से फेस वॉश अपना कर लीजिए, दैट्स इट। नाउ व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपकी आईज़ जो है होती है, एज आई वाज सेइंग, आपकी आईज़ के नीचे लेयर ऑफ स्किन नहीं होती है, तो जिसकी वजह से अगर आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है, बी इट डिहाइड्रेशन, बी इट एनीथिंग, वो सबसे पहले आपकी आँखों पर ही दिखाई देता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है और इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपको ये DIY लगाना है। इसको एटलीस्ट 1 मंथ लगाना है। वैसे तो 3 दिन के बाद से ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आप इसको अ मंथ ज़रूर लगाइए फॉर इफेक्टिव रिजल्ट। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये आपके डार्क सर्कल्स को 100% रिमूव कर देगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये था DIY आई सीरम बनाने के लिए, खासकर अगर आपके डार्क सर्कल्स का आपको प्रॉब्लम है तो इससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। देखिए कुछ मैं आपको और बताना चाहूँगी यहाँ पे, जिनके यहाँ ये प्रॉब्लम है कि खासकर उन गर्ल्स के लिए जिनकी मैरिज होने वाली है, जिनकी शादी होने वाली है, या कोई आपको इवेंट अटेंड करना है जो अभी आने वाले 2 महीने या 3 महीने के बाद है, मैं कहूँगी आप आज से ही शुरू हो जाइए, आज से ही आप इसको लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विदिन अ मंथ आपको जो रिजल्ट है वो 50% तक, काफी हद तक यानी 50% आपको रिजल्ट दिखाई देगा और वो परमानेंट रिजल्ट होगा। Other than going to some beauty expert who can do makeup on you and just hide those dark circles for just a small period of time, instead of doing that, why not try it naturally and why not give it a duration of time that it requires, which means almost like 4 to 5 weeks आप इसको try करके देखिए, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। That's my promise to you। और भाई जो भी आप DIY यूज करते हैं, कुछ लोग जैसे कविता जी हैं, कविता रघुवंशी, शी इज वन ऑफ माई प्रिटी गुड सब्सक्राइबर एंड वो हमेशा जब भी कोई DIY करती हैं तो वो पूरा अच्छे से लिखती हैं कि भाई ये मैंने ट्राई किया, ये मुझे अच्छा लगा। दिव्या है, दिव्या अगेन इज वन ऑफ माई वेरी स्वीट सब्सक्राइबर, शी ऑल्सो राइट्स ऑल द गुड थिंग्स कि भाई मैंने ये ट्राई किया तो मुझे ये अच्छा लगा। जैसे अच्छा लगता है मुझे भी कि आप मुझे फीडबैक दीजिए कि जो जो चीज़ें आपको पसंद आई और जो जो चीज़ों में अगर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो डेफिनेटली मैं आपको उसका सजेशन ज़रूर दूंगी। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने सारे कमेंट्स पढ़ के और उनको रिप्लाई बैक करने की, और जो मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं उनको ये अच्छी तरह से पता है कि मैं कोई भी क्वेश्चन उनका खाली नहीं जाने देती हूँ, उनको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो प्लीज़ डेफिनेटली आप इसको ट्राई करिए और करने के बाद मुझे कॉमेंट ज़रूर करिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक डेफिनेटली एंड आई विल बी मीटिंग यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, please do take care of yourself and don't forget, you are beautiful, stay beautiful and be beautiful, and don't forget to give it a big fat thumbs up, okay? And press the bell icon and the subscribe button. I'll be seeing you very very soon shortly. Bye.